आप सभी को नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। बीएसएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उसका ये सीरीज़ है, ठीक है। और अगर चैनल पे नए हो, सिलेक्शन चाहिए इस बार बीएसएससी में, तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो में हम लोग जो 2015 का जो मैथ्स का पेपर था वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले आप खुद ट्राई करना, उसके बाद मेरे अप्रोच पे आप जंप करोगे, ठीक है। मैं बेसिक से समझाऊंगा, उसके बाद मैं समझाऊंगा कि एग्ज़ाम में कैसे करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, चलो। पहला क्वेश्चन है आपका 2015 का, ये क्वेश्चन है कब का, तो ये 2015 का क्वेश्चन है जो मैं आपको अभी करवा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, द एवरेज ऑफ टू नंबर इट 7.5। क्या है एवरेज ऑफ टू नंबर, क्या है 7.5। देख लो, हिंदी में भी लिखा हुआ है, दो संख्याओं का औसत 7.5 है और उनके गुणनफल, दैट मीन्स जो प्रोडक्ट है दोनों नंबर का, अगर उसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो 6 है, ठीक है। तो इसका क्या होगा आंसर, ये डायरेक्टली आप डी मार सकते हो क्वेश्चंस देखने के साथ साथ। ये कैसे डेवलप होता है, ठीक है। देखो, एक चीज़ मैं पहले आपको समझा दूँ कि ये एग्ज़ाम अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो ट्राई करना है कि मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन आपको पेन कम उठाना है। देखो, अब ये क्वेश्चन मैं बेसिक से आपको करके दिखाता हूँ। देखो, द एवरेज ऑफ टू नंबर का एवरेज क्या है आपका, 7.5 है। मतलब कोई नंबर एक ए है, कोई नंबर एक बी है, इसको दो से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 7.5, ठीक है। मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी का जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा 15, ठीक है। तो जो भी नंबर होगा उसका सम क्या होगा, 15 होगा, ये तो मेरे दिमाग में पहले ही आ जाएगा। तो देखूंगा ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन, तो ऑप्शन में तो खैर सब लोग 15 ही है। दूसरा मैं पॉइंट देखूंगा, द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर ऑफ स्क्वायर रूट, मतलब अगर इसका हम लोग ए इंटू बी का अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो 6 आता है। और किसका स्क्वायर रूट निकालने से 6 आएगा, सिंपल सी बात है, जब यहाँ 36 होगा तो मैं डायरेक्टली ऑप्शन में देखूंगा कि किसका मल्टीपल 36 आ रहा है। तो ये आ रहा है नछाएक 54, ये आ रहा है 26, ये आ रहा है 50, बस ये। तो आपको ऑप्शन से इसको विद इन ए सेकेंड मानना था, आपको इसको अप्रोच कैसे करना था, हम कभी इतना नहीं लिखते, हम ये देखते हैं द एवरेज ऑफ टू नंबर क्या है आपका 7.5 है। मतलब क्या हुआ, दो नंबर का सम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो देखा तो सब में 15 है। उसके बाद बोल रहा है कि दोनों का जो स्क्वायर रूट है, ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकालते तो 6 आता है। और 6 कब आएगा, सिंपल सी बात है, स्क्वायर रूट से कब आएगा, जब इन दोनों का अंदर में हम लोग यहाँ 36 रखेंगे, तो 36 क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा, डायरेक्ट कर लेंगे। पहले जो आपको समझ में ये आना चाहिए कि इसका मतलब होता है ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू, मुझे दिया हुआ है 7.5, ठीक है। तो मतलब a प्लस बी इक्वल टू हो गया मेरा 15, और उसके बाद दिया हुआ है स्क्वायर रूट में दिया हुआ है a इंटू बी इक्वल टू मुझे दिया है 6। तो सिंपल बात है, यहाँ क्या रखेंगे कि 6 आएगा, एक a होगा अगर 12 तो b होगा इसका 3। तो आंसर डायरेक्टली आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये देखो, इस टाइप के क्वेश्चन सियोर है, हर एग्जाम में आता है, ठीक है। अब मैं एक बेस्ट अप्रोच आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि देखो कि यहाँ में बोला है असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते हुए कदम में, ठीक है, क्रम में, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ तीनों नंबर को, 9/11, 7/8 और 5/7। अब बहुत लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके करते होंगे कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इसको फिर, बट देखो यहाँ तो नंबर छोटा है, बट यही नंबर अगर ज़्यादा बड़ा आ गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अब मैं आपको जो अप्रोच बताने जा रहा हूँ उस पर आप ध्यान दोगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको करना कैसे, ठीक है, कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको करना कैसे, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको किस तरीके से आपको बेसिकली चीज़ें करनी है। तो 9/11 दिया हुआ है, 7/8 दिया और 5/7 हम लोग का यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग किस तरीके से कर रहे हैं ये हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। देखो, तो जब भी आपको इस टाइप का मिले, 9/11, 7/8, 5/7, ठीक है, कभी भी इस टाइप का अगर आपको सीरीज आ जाता है, ठीक है, ये वीडियो अपलोड होगा होपफुली मैं आज रात को कर दूंगा, तो जब ये वीडियो अपलोड होता है ना, जब भी मैं बीएसएससी के लिए डालता हूँ, ठीक है, यूट्यूब पे, उसी समय कंप्लीट कर लिया करो, ठीक है। आप लोग बहुत ही बेहतरीन जॉब है ये। चलिए, तो 9/11, तो 9/11, 7/8 और 5/7, इसको हम लोग को बढ़ते हुए कदम में इसको लिखना है। देखो, जब भी इस टाइप का है ना, इन दोनों का डिफरेंस देखो, 9, 10, 11, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिफरेंस नीचे लिख देना, बस इन दोनों का डिफरेंस बस नीचे लिख देना, और न्यूमरेटर जो है, ठीक है, ऊपर वाला को वैसे ही लिखना। अब इन देखो, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 1 है, तो 7/1 लिख दिया। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 है, तो 5/2 लिख दिया। अब देखो, यहाँ आ रहा है आपका 4.5, ठीक है, 4.5 आ रहा है, ठीक है, यहाँ आपका डायरेक्टली आ रहा है 7, ठीक है, और यहाँ आ रहा है आपका 2.5। अब मुझे बताओ, इसमें सबसे बड़ा कौन,
जो टेक्निक मैंने आपको यहाँ बताया ये मास्टर टेक्निक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे, अभी देखना आगे भी, ठीक है। तो ये हो गया 4.5, ये हो गया आपका 7 और ये हो गया आपका 2.5। अब देखो यहाँ सबसे बड़ा कौन है, सबसे जो बड़ा है वो है आपका ये 7, उसके बाद कौन सा है ये 4.5, और उसके बाद कौन सा है ये आपका 2.5। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, सबसे बड़ा हो गया आपका कौन सा 7/8, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा हो गया, उसके बाद सबसे बड़ा कौन है 7/8 के बाद, अब यहाँ देखो 7/8 ये हो गया, उसके बाद कौन सा है 9/11, ठीक है। तो यहाँ 9/11 हो जाएगा, उसके बाद सबसे लास्ट में कौन सा है आपका, ये है आपका लास्ट वाला 5/7, तो ये होगा 5/7। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका सी, 5/7, 9/11 और 7/8, क्योंकि हमें बढ़ते हुए कदम में लिखना है, ठीक है। प्लीज़ यही पूछता है कि सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, तो ये है, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो ये है, ठीक है। अब ये देखो सेम क्वेश्चन सेम पेपर का एकदम सामने सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ और देखो कि मैंने आपको क्या समझाया। देखो करने के लिए बहुत तरीके हैं, बट हमें करना ऐसे कि एग्जाम निकले, मैं फिर से बता रहा हूँ, एग्जाम बेस्ड आपको अप्रोच बता रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 3/4 बट लेस देन, कौन सा इसमें से ऐसा है जो 3/4 से तो बड़ा है, ठीक है, बीच में है, बट 5/6 से छोटा है। तो सबसे पहले मैंने अभी क्या बताया, जब भी इस फॉर्म में हो कैसे लिखोगे, इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है 1, तो 3/1 लिख लोगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 1, तो 5/1 लिख लोगे, तो ये क्या हो गया 5 आ गया और ये आपका, सॉरी ये आपका 3 आ गया और ये आपका 5 आ गया। अब ये देखो इस इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 1 होगा, तो क्या हो जाएगा 1/1, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 1 होगा, तो ये 2/1, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 1, तो ये 4/1 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 1, तो ये 9/1 हो जाएगा। तो पहला वाला 1 आया, दूसरा वाला 2 आया, तीसरा वाला 4 आया और चौथा वाला 9 आया। अब देखो 3 से तो वो बड़ा होना है, बट क्या है कि 5 से छोटा होना चाहिए, ऐसा कौन सा है, तो ये है हमारा सी। अगर इस तरीके से आप अप्रोच रखोगे, आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप विद इन ए सेकेंड आंसर कर लोगे। बट अगर ये अप्रोच आपको नहीं पता है तो आप क्या करोगे, फिर से इसको सॉल्व करोगे और सॉल्व फिर करते रह जाओगे, ठीक है। आगे चलें, चलिए द नंबर 20% मोर देन 80, ठीक है, वह संख्या कौन सी है जो 80% से 20% अधिक होगी। अब इसका 20% अधिक होगी, अब देखो सिंपल सी क्वेश्चन, थोड़ा घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक होगी, सिंपल सी बात है, इसका 120% होगा, इसका 120% ही तो होगा ना, तो ये 0000 बराठे 96 इसका आंसर हो जाएगा, ये बेसिक था, कुछ नहीं था। अब देखो बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड 675 बी मल्टीप्लाई टू ऑप्टेन ए नंबर विच इज परफेक्ट क्यूब, ठीक है, पूर्ण घन प्राप्त हमको करना है, ठीक है। अब देखो जब भी आपको परफेक्ट क्यूब बोले, परफेक्ट स्क्वायर बोले, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका क्या करना है, आपको सिंपल फैक्टराइजेशन आपको करना पड़ता है, ये आपको पता होगा, ठीक है, पता है। तो देखो ये है आपका 675, ठीक है, 675 है, तो इसको हम लोग जब आप फैक्टराइज करोगे, जल्दी से कर लेना 2, 3 करके, ठीक है, तो इसका जो आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3 × 3 × 3 × 5 × 5, ठीक है। देखो ये हो जाएगा आपका 25 और ये हो गया आपका 27, ठीक है, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 27 × चलो एक बार करके देखो, 27 × जब करोगे 7 × 5 = 35, 25 × 25 × 27, तो ये आपका आ जाएगा 675, ठीक है, 675 आ जाएगा। बट हमें जो मतलब है, बस इससे मतलब है, यहाँ 3 बार आ गया, पर 5 जो है यहाँ बस 2 बार ही आया, मतलब इसमें और क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1, 5 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ हम लोग क्यूब का बात कर रहे हैं, तो क्यूब का बात करने से हमें 3 का पेयर बनाना पड़ता है, आंसर इसका 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रोडक्ट ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हुज सम इज इतना, उन 3 क्रमांक संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिसका योगफल क्या है 15 है, ठीक है। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का बात कर रहा है, ठीक है, जिसको 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब क्या, अगर एक x है तो एक x प्लस 1 होगा और x प्लस 2 होगा, बट हम ऐसे नहीं करेंगे, इसको विद इन ए सेकेंड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ ऑलरेडी हमें दिया हुआ है कि तीनों का सम जो है, ठीक है, क्या है 15 है, तो अगर हम यहाँ 6 लेते हैं या 7 लेते हैं या 8 लेते हैं, ठीक है, 8 लेते हैं, तो ये तो खैर ज़्यादा हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ अगर दोगे तो ये 7 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, तो ये नंबर पॉसिबल नहीं, हम लोग इससे कम लेते हैं, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और ये आपका
सात हो जाएगा। तो अगर यहाँ देते हैं, ठीक है, आप ध्यान से देखना, अगर इसको हम लोग यहाँ एक और दे देते, तीनों को ऐड करोगे तो हो जाएगा 18 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो चार पाँच में बस एग्जाम्पल लेके आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ ये पॉसिबल है, इसको आप करोगे तो ये 15 आ जाएगा। मतलब क्या, 4 × 5 × 6 करना पड़ेगा आपका, तो 5 × 4 = 20 × 6 तो आंसर हो जाएगा 120। आपको इस अप्रोच से इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है, आपको एज्यूम करना है क्योंकि तीन नंबर ऐसे हैं जिसको सम करके मुझे 15 आता है, तो अगर उसी को हम लोग गुणनफल कर दें तो कितना आएगा, हमें ये पूछा था, तो मैंने डायरेक्टली ले लिया कि मेरा 4, 5, 6 है, ठीक है, तो इन तीनों को अगर सम करते हो तो कितना आता है, 15 आता है, तो इसी को मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। अगर आपको चीज़ ये दिमाग में नहीं आता है, ठीक है, मान लीजिए ये चीज़ आपके दिमाग में नहीं आया, तो फिर कैसे आप लोग करोगे, ठीक है, ये भी चीज़ है, ठीक है, तो फिर आप किस तरीके से अपना अप्रोच रखोगे, ये हम लोग अभी देखने वाले। अब देख, ध्यान से देखिए, और जब देखते हो मैथ्स वाला वीडियो स्पीड में 1.5x का देखो, एक x ले लेंगे, दूसरा x+1 ले लेंगे, तीसरा x+2 ले लेंगे, ठीक है, और फिर x + 1 फिर x + 2 और ये सबको प्लस करके क्या करेंगे हम लोग, यहाँ 15 लिख देंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे, x का जो वैल्यू आपका आ जाएगा, वो जो आ जाएगा आपको सॉल्व करोगे तो वो आ जाएगा आपका 4, और 4 का वैल्यू फिर रख दोगे यहाँ तो एक आ जाएगा 4, एक आ जाएगा 5, एक आ जाएगा 6, और फिर तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, तो x से भी कर सकते हैं, x का वैल्यू निकाल लोगे, यहाँ 3x लिख दोगे और यहाँ ये कितना हो गया, ये 3 हो गया, तो यहाँ ये 12 हो जाएगा इधर में, और ये x = 4 आ जाएगा, तो x = 4 आ गया तो एक पहला वाला 4 आ जाएगा, दूसरा वाला 5 आ जाएगा और तीसरा वाला 6 आ जाएगा, बस वही बात, बट मैंने डायरेक्टली ये एज्यूम करके कर लिया, इसका आंसर 120 आएगा, ठीक है। चलिए, अब ये पूरे मतलब सीरीज में बस यही एक क्वेश्चन था जो थोड़ा सोचना था, ठीक है, बहुत ही अच्छा लगा ये क्वेश्चन, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, आई थिंक, देखना, ठीक है। 50 बॉक्स ऑफ इक्वल वेट आर ए लोडेड ऑन ए कैरी वैन, ठीक है, एक समान भार के 50 बक्से एक कैरी वैन में चढ़ाए गए, ठीक है, अंतर प्रत्येक 105 केजी, पहले तो 50 बॉक्स, ठीक है, मान लो कि ट्रक पे चढ़ाया गया, इसका वेट हमें नहीं पता, ठीक है, एक्स लेते हैं, ठीक है, मैं इसको विद इन ए सेकेंड बताऊंगा कि अप्रोच एग्जाम में अप्रोच कैसे करना, और एक्स लेके भी बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 105 केजी वाला 5 और उसी ट्रक में डाला गया, ठीक है, चढ़ाया गया, जिससे एवरेज वेट जो इन लोग का हो जाता है वो कितना हो जाता है, 95 हो जाता है। देखो, पहले कुछ भी होगा और इसके आने के बाद, ठीक है, एवरेज जो है वो क्या हो जा रहा है, अगर ये सबका जो 50 था, ठीक है, उसका अगर हर एक के पास 105 से अगर ज़्यादा रहता तो क्या होता, एवरेज क्या होता, 105 से ज़्यादा रहता, ठीक है, अगर 105 ही सबके पास रहता, 105 तो कितना रहता, एवरेज 105 ही रहता, बट क्या हो रहा है कि यहाँ घट जा रहा है, 105 वाला जैसे 5 और बस्ता रखा गया तो क्या हो गया, 95 एवरेज हो गया। मतलब क्या हो गया, इससे इन लोग ले लिया, कितना ले लिया, कितना डिफरेंस हो रहा है, यहाँ 10 का डिफरेंस हो रहा है, 10 का डिफरेंस हो रहा है, और ये क्या हुआ, 10 का जब डिफरेंस हो रहा है और 5 लोगों से लिया गया है तो कितना ले लिया उन लोग ने, 50 ले लिया, ठीक है। तो अब देखो, तो पूछा है कि हर द वेट ऑफ इच 50 बॉक्स इज इनिशियली लोडेड, जो पहले 50 बॉक्स लोड किए गए थे उसके हर एक किसी का कितना क्या है, वेट है, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो अब देखो, सबसे पहले अभी एवरेज कितना है, सबका 95 है, तो 95, ठीक है, इंटू 50, ये क्या होगा, जो पहले वाले का है, पहले वाले का 50 है ना, ठीक है, हर 50 है और हर एक का एवरेज कितना है, 95 है, माइनस में कितना कर दे रहा हूँ, 50 कर दे रहा हूँ। क्यों मैंने 50 माइनस किया, क्योंकि इसका जो था, ठीक है, इन लोग में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था, और नीचे में क्या लिखूंगा, 50 ही लिखूंगा, क्योंकि टोटल कितना है, क्योंकि टोटल सम डिवाइडेड बाय मुझे एक का चाहिए कि हर एक जो बस्ता पहले डाला गया था वो कितना था, तो ये क्या हो जाएगा, 50 यहाँ कॉमन हो जाएगा और ये 95 - 1 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 50 हो जाएगा, तो आंसर इसका 94 हो जाएगा। हो सकता है आपको ये चीज़ समझ में नहीं आया हो, क्योंकि अगर आपका एवरेज स्ट्रॉन्ग है तब ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं है, धीरे धीरे आप लोग सीखोगे, ठीक है, मेहनत करना पड़ेगा। और अगर इसको x लेके करते हैं तो किस तरीके से करेंगे, मान लो कि पहले जो 50 बॉक्स था उसका x था, ठीक है, समझ में आया, तो कितना हो जाएगा, 50 × x हो जाएगा, प्लस जो लास्ट में कितना है, ये 5 बस्ता और डाला गया जिसका वेट कितना था, 105 था, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टोटल
ये देखो, ये 5 हो गया, 105 हो गया, उसके बाद क्या हो गया, ये टोटल कितना हो गया, ये 55 हो गया, क्योंकि 50 बचता है यहाँ, 5 बचता है यहाँ, और टोटल जो आ गया आपका ये 95 आ गया, ठीक है। और अब यहाँ x का वैल्यू निकाल लोगे, तो x का वैल्यू निकाल लोगे तो आपको पता चल जाएगा, सिंपल, ठीक है, वही आपका आंसर होगा। बट इतना कैलकुलेटिव अगर आप करोगे तो आपको टाइम लग जाएगा, बाकी आप ये करके देखिएगा, आंसर आपका 94 ही आएगा, ठीक है। ये समझ में नहीं आया तो प्लीज़ एक बार बैक करके देखिएगा, क्योंकि वही कंसेप्ट सब जगह यूज़ होगा। अब देखो, द लीस्ट नंबर विच वेन डिवाइडेड बाई 35, 45, 55 लीव्स द रिमाइंडर 18, 28, 38, ठीक है। वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 35, 45 से विभाजित करने पे रिमाइंडर इतना बनता है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आपको पता है, हमने पहले भी आपको करवा के रखा है, जब भी रिमाइंडर इस टाइप से दिया जाए, सबसे पहले चेक कर लो कि क्या इसका दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है, मतलब ये इन दोनों, ये दोनों और ये दोनों अपना अपना पेयर, मतलब वह सबसे छोटी संख्या, मतलब जिससे डिवाइड कर रहा है और जो रिमाइंडर आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस देखो। तो इन दोनों का अगर आप डिफरेंस देखते हो 35 माइनस 18, तो आपका जो आता है, ये आता है आपका कितना, आपका ये आ जाएगा आपका 17 आ जाएगा, ठीक है, 17 आ जाएगा, और सबका 17 ही आ रहा है अगर आप देखोगे तो, मतलब सबका जो डिफरेंस है वो 7 है। तो ऐसे में क्या करते हैं, ऐसे में करते हैं जो ये ऊपर वाला है उसका हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकाल के ये माइनस कर देते हैं। अब देखो इसका एलसीएम कैसे फास्ट निकालोगे, 35, 45, 55 मैंने आपको ये चीज़ बता के रखा है, ठीक है। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 35 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 × 5 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 9 × 5 लिख सकते हैं, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 11 × 5। तो 5 तो कॉमन ही है, उसके बाद 7 लिख देंगे, उसके बाद 9 लिख देंगे, उसके बाद 11 लिख देंगे, ठीक है। और ये जो आपका पूरा आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, 4, 6, 5, ठीक है, ये आ गया। बट मुझे माइनस कितना करना है, जो ये आ रहा है माइनस 17 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 3, 4, 4, 8, ठीक है। तो 3, 4, 4, 8 इसका आंसर होगा। ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन किया हमने अभी। अब देखो, द नंबर नियरेस्ट टू 75070 विच इज़ डिविजिबल बाई 65। अब यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक है, पूछा है कि कौन सा ऐसा नंबर है नियरेस्ट टू 75070 जो किससे डिविजिबल हो जाए, जो डिविजिबल हो जाए आपका 65 से, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ 65 से डिवीज, अब देखो 65 से डिवाइड करोगे तो वो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है। तो मैंने यहाँ क्या किया, 65 को मैंने मल्टीपल में तोड़ दिया, 13 × 5 मैंने किया, ठीक है। तो 13 × 5 किया, मतलब अगर कोई नंबर 65 से डिवाइड हो रहा है, मतलब वो 13 से भी डिवाइड होगा। तो मैंने इसको क्या किया, पहले 13 से ही कर लिया, ठीक है। जब 13 से करोगे तो 13 × 5 जहाँ होता है 65, ठीक है, यहाँ आपका 10 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये आ गया, और फिर से 13 × 7 जहाँ होता है आपका 91, तो यहाँ मैंने 91 लिख दिया, यहाँ आपका आ जाएगा 91, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। फिर से यहाँ से 7 आ गया 97, फिर से यहाँ मैंने 7 किया तो यहाँ आ गया आपका 91, और यहाँ आ गया आपका 6, और यहाँ है 0, तो मैंने यहाँ 0 लिखा, तो 13। अब देखो, अब क्या है कि यहाँ आ गया आपका 60, ठीक है, यहाँ आ गया 60, और क्या होता है कि 13 × 5 जा जो होता है 65, और 13 × 5 जा जो होता है वो होता है आपका 65 होता है, ठीक है, एक मिनट रुक जाइएगा, 13 × 5 जहाँ जहाँ होता है 65 होता है, मतलब मेरा 5 और अगर यहाँ होता तो ये मेरा पूरा डिविजिबल होता, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 7507, और ये 0 के जगह हम लोग प्लस 5 यहाँ कर देंगे, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये नियरेस्ट नंबर होगा जो किससे डिविजिबल हो जाएगा 65 से। बट याद रखना, यहाँ मैंने क्या यूज़ किया, 65 से ना डिवाइड करके मैंने क्या किया है, 13 का डिविजिबिलिटी, ठीक है, ये मेरा तरीका है, हम इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बी जो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इफ 21, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, कोई भी एक संख्या है जिसमें अगर आप 21 जोड़ते हो तो क्या हो जाता है, अपनी 3 गुनी संख्या से, ठीक है, क्या हो जाता है, वो 7 कम हो जाता है, ये चीज़ बोला गया है। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो सिंपल सी बात है, 28/2 आएगा, यहाँ x का वैल्यू, यहाँ आपका 14 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को आपको कैसे अप्रोच करना है, ये सक्सेसिव का केस है, जैसे कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हुए चक्रवृद्धि ब्याज, उसी में वही चीज़ इसमें भी काम करता है। देखो एक कंसेप्ट मैं आपको यहाँ बताता हूँ, ठीक है, देखो जब भी ना आप, ठीक है,
ऑड नंबर को अगर ऑड से मल्टीप्लाई करते हो, जैसे कि 3 × 3 है तो ये 9 आ रहा है, ठीक है, ऑड नंबर है। 5 × 5 कर रहे हो तो कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। मतलब जब भी ऑड नंबर को हम लोग ऐड करते हैं ऑड से तो ऑड ही देता है। अब देखो इसको जल्दी से कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये आपको कैलकुलेटिव है, बट हम इसको विद इन ए सेकेंड करेंगे। देखो तो कोई भी कहीं का भी पॉपुलेशन है, ठीक है, जो कि 5% एनुअली बढ़ता है, तो 2 साल के बाद कितना होगा, देखो हमें ये पूछा गया। तो 5% इक्वल टू होता है 1/20, मतलब पहले साल 20 था तो नेक्स्ट ईयर 21 हो जाएगा, फिर दूसरा साल भी हमें लेना है, ये 20 था तो ये 21 हो जाएगा। ये सक्सेसिव का केस है, मतलब ये भी मल्टीप्लाई होगा, ये भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया आपका 400, ठीक है, ये 400 हो गया और ये हो जाएगा आपका 441। इसका वैल्यू मुझे दिया हुआ है, ठीक है, कि पहले 2 साल पहले कितना था, तो ये था आपका 176400। आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा कि ये जो मतलब कितने का मल्टीपल है, ठीक है, तो आप अगर यहाँ देखोगे तो 441 का मल्टीपल है ये, ठीक है, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, तो 441 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ये इतना आ जाएगा। मतलब हमें इसको भी इतना से ही करना पड़ेगा 441 से, ठीक है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो यहाँ भी 1 है यूनिट डिजिट, यहाँ भी 1 है, तो इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्टली ये होगा। या मैंने आपको क्या समझाया था, अगर कुछ और भी होता तो मैंने आपको क्या समझाया था कि ऑड से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑड ही होगा, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब हमें सॉल्व करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यही चीज़ हमें टाइम बचाना है। अब ये देखो, इफ़ ए टाइपिस्ट, ठीक है, इफ़ ए टाइपिस्ट टाइप्स 1 पेज इन 4 मिनट, ठीक है, तो इफ़ बिटवीन 1 PM to 2 PM 1080 पेज हमें, मतलब कोई भी एक टाइपिस्ट है, ठीक है, जो क्या करता है, 1 पेज 4 मिनट में प्रिंट करता है, टाइप कर लेता है, तो 1 बजे से 2 बजे के बीच में 1080 पेज अगर हमको प्रिंट करना है तो कितना टाइपिस्ट चाहिए होगा। देखो सिंपल सी बात है, टोटल पेज है हमारा 1080, ठीक है, एक टाइपिस्ट 1 घंटे में कितना करेगा, देखो जब वो 4 मिनट में, ठीक है, अब ध्यान से समझना, जब वो 4 मिनट में, ठीक है, 4 मिनट में अगर एक पेज कर लेता है, ठीक है, एक पेज कर लेता है, ठीक है, तो 1 घंटे में कितना में करेगा, क्योंकि अगर इसको 15 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि मिनट में है, मिनट में है ये, तो कितना से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा, क्योंकि 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर, मुझे 1 आवर का ही निकालना है, तो जब 4 मिनट में वो एक पेज कर लेता है तो इसको इधर मल्टीप्लाई करते तो 60 मिनट हो जाएगा, ठीक है, तो इधर भी हम लोग 15 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 15 पेज हो जाएगा। मतलब वो 1 घंटे में कितना पेज प्रिंट कर लेगा एक टाइपिस्ट, तो वो है आपका 15, ठीक है, तो ये सब पता चल गया, तो यहाँ हम लोग क्या कर देंगे, 15 कर देंगे, मतलब एक टाइपिस्ट जो है 1 घंटे में 15 कर लेता है, ठीक है, तो इसको 15 से अगर आप डिवाइड करोगे, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 72, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 72 हो जाएगा। नहीं समझे, आई थिंक समझ गए होगा, बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है, कि एक टाइपिस्ट है जो क्या करता है, क्या करता है, 1 मिनट में क्या करता है, 4 मिनट में, सॉरी 4 मिनट में क्या करता है बेटा, एक पेज प्रिंट कर देता है, मतलब एक पेज टाइप कर लेता है एक पेज, ठीक है, तो 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटे में मुझे इतना पेज मतलब टाइप करवाना है, तो कितने मुझे टाइपिस्ट चाहिए होंगे। देखो तो जब एक टाइपिस्ट का हम लोग निकाल लेते हैं, देखो तो एक टाइपिस्ट जो है 4 मिनट में एक पेज प्रिंट करता है, ठीक है, तो 1 घंटा में कितना करेगा, 15 × 4 = 60, ठीक है, यहाँ 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 15, तो एक टाइपिस्ट 15 पेज प्रिंट करता है 60 मिनट में, ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली 15 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 72 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये भी बहुत ही मतलब कह सकते हो कि रिपीटेटिव क्वेश्चन पूछा जाता है ये, कि 6 बेल्स, ठीक है, कमेंस, ठीक है, इसको चलो हिंदी में पढ़ रहे थे, इफ बेल्स कमेंस टूलिंग टुगेदर, देखो ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब रिपीटेड डायरेक्टली बताता हूँ, कोई भी एक बेल है जो 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकेंड पे बजती है, ठीक है, ठीक है, तो 30 मिनट में कितने बार वो बजेगी, सिंपल सा ये पूछा। देखो तो सिंपल है, इसमें हमें क्या निकालना होता है, एलसीएम लेना होता है, 30 मिनट में वो कितने बार बजेगी, 30 मिनट को हम लोग पहले सेकेंड में चेंज कर लेते हैं और इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम जब आप लेगो तो ये 120 आएगा, ठीक है, 120 आएगा, ये यहां से कट जाएगा, 6 × 12 हो जाएगा, तो ये 15 आ जाएगा, मतलब 30 मिनट में क्या होगा, वो 15 बार बजेगा, बट इसका आंसर जो होगा वो 16 होगा, क्यों, क्योंकि वो जब पहली बार भी तो बजा होगा, तो हमेशा याद रखना कि 15 तो ऐसे आएगा प्लस 1 भी हो जाएगा, तो यहाँ 16 हो जाएगा। देखो अगर कोई चीज़ समझ, क्योंकि ये सब बहुत ही बेसिक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप उस लेवल पे आप गए हो, ठीक है, कि इस टाइप के बेसिक आप कर पाओ, तो 16 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया होगा। चलो
280 oranges are divided amongst 50 girls and boys, so that कुल 280 नारंगी 50 लड़के, ठीक है 280 नारंगी जो कि 50 लड़के और 50 लड़के एवं लड़कियों को दिया जाता है। इसमें प्रत्येक लड़कों को 5 एवं प्रत्येक लड़की को 7 नारंगी मिलते हैं, तो कुल कितनी लड़कियां हैं। सिंपल सी बात है, मान लो कि आपका 280 ऑरेंज है, ठीक है, और 50 लड़का लड़की है, तो मान लो कि अगर लड़का एक्स है तो लड़की क्या होगा, 50 माइनस एक्स होगा। और मुझे क्या बोला है, टोटल ऑरेंजेस कितना है, 280 है, जिसमें कि लड़की को ज़्यादा दे दिया जाता है, ठीक है, प्रायोरिटी यहाँ भी प्रायोरिटी दिया जा रहा है उन लोगों को। तो हर एक लड़के को कितना मिलता है, 5 मिलता है। तो मान लीजिए कि हर एक लड़का को अगर 5 मिलता है, ठीक है, हर एक लड़का को 5 मिलता है, तो टोटल लड़का मैंने क्या माना है, एक्स माना है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 × x हो जाएगा, ठीक है। और लड़की को मैंने कितना माना है, 50 − x माने, क्योंकि अगर एक्स नंबर ऑफ लड़का है तो क्या होगा, 50 − x क्या होगा, वो लड़की होगा, ठीक है, बेसिक है। चलिए, तो और लड़की को कितना दिया जाता है, 7 दिया जाता है हर एक लड़की को, संतरा, ठीक है। तो टोटल लड़की को कितना मिलेगा, यहाँ से पता चलेगा, टोटल लड़का को यहाँ से कितना मिलेगा, यहाँ से पता चलेगा। और टोटल है कितना, 280 ऑरेंजेस है। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो 5x आ जाएगा, 7 × 5 = 35, 350 आ जाएगा, ये −7x आ जाएगा, ये 280 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो खैर कट जाएगा, 2x आ जाएगा, और इसको अगर आप इधर लाते हो 350 से अगर आप करोगे तो ये तो खैर माइनस में आ जाएगा, −−, इधर प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा, ठीक है। तो ये x इधर हो जाएगा और x = 35 आ जाएगा। तो 35 जो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, बॉय हो जाएगा, क्योंकि x हमने बॉय को माना था, ठीक है। तो लड़की कितनी हो जाएगा, 50 − 35, सिंपल सी बात है, कितना हो जाएगा, 15 जो हो जाएगा वो लड़कियां हो जाएगा, ठीक है। बेसिक था, कोई तकलीफ नहीं हो गई इसमें, समझा दिया मैंने। अब देखो ये क्वेश्चन, द एवरेज एज, अब ये सेम एवरेज वाला कंसेप्ट आपको लगाना है, ठीक है। अगर आपने बेसिक से किया तो इसमें फिर आपको टाइम लगेगा। देखो द एवरेज एज ऑफ ए, देखो यहाँ 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी, ठीक है। देखो टोटल लड़का कितना है, 5 वर्ष पहले 4 लड़कों का, ठीक है, औसत आयु 5 वर्ष पहले क्या था आपका, 9 था। तो अभी क्या होगा, प्रेजेंट क्या होगा चारों लड़का को, सिंपल सी बात है, 4-4 सब में बढ़ा होगा, क्योंकि ये क्या बात कर रहा है, 5 साल पहले की बात कर रहा है। तो अभी क्या होगा, 5-5 सब में बढ़ेगा चारों में, तो क्या हो जाएगा, 9 + 5 हो जाएगा, मतलब 14 जो है इसका न्यू एवरेज है, ठीक है, चारों लड़का का। उसके बाद बोला है, उसमें से एक नए लड़के के शामिल हो जाने के कारण उन पांचों की वर्तमान आयु 15 वर्ष हो गई है, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक नया लड़का आया, ठीक है, 4 लड़का तो पहले, तो एक नया लड़का आया, ठीक है, जिससे क्या हुआ कि सबका एवरेज, टोटल 5 लोगों का एवरेज क्या हो गया, अब 15 हो गया। होना कितना चाहिए था, अभी 14 होना चाहिए था 5 साल के बाद, पर एक और नया लड़का आया जिसके कारण क्या हो गया, सबका एवरेज, पांचों लड़का का एवरेज क्या हो गया, अब क्या हो गया, 15 हो गया। मतलब जो नया लड़का आया होगा क्या होगा, उसका जो मतलब वो जो अपना वेट लेके आया होगा, अपना जो वजन लेके आया होगा, वो 14 से ज़्यादा होगा, तभी तो वो दूसरे को दे रहा है और अपना भी 15 रख लिया, ठीक है। तो ये जो आया है, ठीक है, ये जो लड़का आया है, पहले तो खुद 15 लेके आया होगा, ठीक है, क्योंकि नया 15 एवरेज है, प्लस उसने क्या किया, सबको एक एक दिया भी है, चारों लड़का को एक एक दिया है, तभी तो ये 14 से 15 हो गया इसका भी एवरेज। तो 4 तो इन लोगों को भी दिया होगा, एक एक सबको दिया होगा, तो इसका वेट पूछा कि नए लड़के का क्या होगा, तो ये 9 हो जाएगा। अगर ये चीज़ आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हो, जो मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इस पर स्पेशल क्लास लिया जाएगा। अब इसको मैं बेसिक से करके दिखाता हूँ कि बेसिक से कैसे करेंगे। 4 लड़के का औसत आयु कितना था, 14 था, अभी एक नया लड़का आया, ठीक है, जिसके आने से क्या हो गया, टोटल कितना हो गया, 4 लड़का यहाँ और ये एक लड़का नया, तो 5 हो गया, कितना हो गया औसत, यहाँ 15 हो गया, तो x इसका कितना हो जाएगा, 75 − 56, तो ये हो जाएगा आपका 19। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, ये 15 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको BSSC निकालना है तो प्लीज़ मेहनत कीजिए, घर पे एकदम ज़ोरदार मेहनत कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कैसा लगा ज़रूर बताना। जय हिंद।